हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 के कंप्यूटर से रिलेटेड एक चैप्टर जिसका नाम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के फंक्शंस, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टाइप्स, CUI, GUI मींस ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरफेस को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। आखिर क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन में? तो दोस्तों, कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट और पावरफुल सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऐसी सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को फुल्ली तरीके से ऑपरेट करता है। जैसे ही हम कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करते हैं, वैसे ही सबसे पहले कंप्यूटर मेमोरी में लोड होने वाला सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, तथा ये तब तक, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम तब तक वर्किंग में रहता है जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑफ ना हो जाए। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको समझे तो इस प्रकार कह सकते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम ऑन होने से ऑफ होने तक ऑपरेटिंग सिस्टम लगातार कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करता रहता है। प्राचीन समय में लोग कंप्यूटर सिस्टम को डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज के द्वारा ही ऑपरेट करते थे और मशीन लैंग्वेज के द्वारा ही डिफरेंट डिफरेंट टास्क को कंप्लीट किया करते थे। लेकिन आजकल कंप्यूटर सिस्टम ज़्यादा पावरफुल और स्मार्ट हो चुके हैं। कंप्यूटर सिस्टम की कैपेबिलिटीज और कॉम्प्लेक्सिटीज भी बढ़ चुकी है और आजकल हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के ही द्वारा अपने कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेट करने लगे हैं। अब हम सीखते हैं कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या। तो दोस्तों, ये सब तो था ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन, लेकिन अब मेन कहानी शुरू होती है जिसमें हम लोग सीखेंगे कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम काम क्या करता है। जैसा हम सभी जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक मुख्य प्रकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे मुख्य सॉफ्टवेयर है और बेसिकली इसके तीन मेन पर्पस हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसमें सबसे पहले पर्पस पे हम लोग बात करते हैं। किसी से भी काम कराने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड करता है। अब हम इसको सरल शब्दों में समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमको इंटरफेस प्रोवाइड करता है और जिसके द्वारा यूजर आसानी से कंप्यूटर से इंटरेक्ट होकर अपना काम करा सकता है। बेसिकली इस पॉइंट से हमें ये समझ में आया, ये यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या काम कराता है, ये इंटरेक्शन यानी कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराता है। अब हम इसके दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रकार की रिसोर्सेज, चाहे वे हार्डवेयर रिसोर्सेज हो या फिर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हो, दोनों रिसोर्सेस को मैनेज करता है। अब हम इसके तीसरे पॉइंट पे फोकस करते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम पर रन होते हैं, उन सभी सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, मान के चलिए मुझको अपने कंप्यूटर सिस्टम में एमएस ऑफिस रन कराना है। तो एमएस ऑफिस रन कराने से क्या जो पूरी व्यवस्था होगी एमएस ऑफिस को रन कराने के लिए, वो सारी की सारी व्यवस्था कौन मैनेज करेगा? वो सारी की सारी व्यवस्था ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करेगा। तो इस तरीके से अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन पॉइंट्स पर अगर हम लोग बात करें तो बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारा कंप्यूटर सिस्टम यूजलेस है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की मेन फंक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि ये यूजर को कंप्यूटर सिस्टम पर कार्य करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये सभी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर सिस्टम पर स्मूथली रन कराता है तथा सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस को मैनेज करता है। इसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ रोल्स या फिर फंक्शंस हैं जो निम्न प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिवाइस मैनेजमेंट पढ़ते हैं कि आखिर डिवाइस मैनेजमेंट फंक्शन है, इसमें क्या काम रहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। कंप्यूटर सिस्टम से डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिवाइसेस, जैसे इनपुट डिवाइसेस में माउस, कीबोर्ड तथा आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर, प्रिंटर आदि कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं। इन्हीं डिवाइसेस को जोड़कर कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपरली वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम
सभी तरह की डिवाइसेस को मैनेज करता है, जिसकी वजह से इसको इनपुट आउटपुट कंट्रोलर भी कहते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, जो भी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर से अटैच होती हैं, उनकी प्रॉपर वर्किंग के लिए उस डिवाइस से रिलेटेड ड्राइवर हमारे कंप्यूटर सिस्टम में लोड या इंस्टॉल होना चाहिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हीं ड्राइवर्स की हेल्प से डिवाइसेस से कम्युनिकेशन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यह भी डिसीजन लेता है कि किस प्रोग्राम को कौन सी डिवाइस दी जाए, कब दी जाए तथा कितने समय के लिए दी जाए। तो दोस्तों, ये तो था डिवाइस मैनेजमेंट से रिलेटेड इसका फंक्शन, कि कौन सी डिवाइस को कब एग्जीक्यूट करना है, किस काम के लिए एग्जीक्यूट करना है, कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट करना है। अब हम इसका दूसरा फंक्शन यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पढ़ते हैं। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम के ही द्वारा दूसरे प्रोग्राम्स को कंप्यूटर में इंस्टॉल करना और रन करना पॉसिबल है। ये प्रोग्राम एप्लीकेशन प्रोग्राम या सिस्टम प्रोग्राम हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो प्रोग्राम किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक तरीके का टास्क को कंप्लीट करते हैं, वो प्रोग्राम हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तथा ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर सिस्टम को अपग्रेड या फिर मेंटेनेंस में सहायक होते हैं, वो हमारे सिस्टम प्रोग्राम्स कहलाते हैं। तो बेसिकली प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का ये रोल रहता है कि ये हर एक तरीके के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करे। अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट फंक्शन यानी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। कंप्यूटर में किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए रिसोर्सेस की आवश्यकता होती है। आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझाते हैं। यदि कोई यूजर किसी भी फाइल को कंप्यूटर हार्ड डिस्क में सेव करने के लिए कमांड देता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि फाइल को एग्जैक्टली हार्ड डिस्क में किस पोर्शन में सेव करना है, जिससे जब भी दोबारा यूजर उस फाइल को एक्सेस करना चाहें तो आसानी से यह फाइल यूजर तक फैच हो जाए। इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम सभी तरह की रिसोर्सेस को एलोकेट करता है, यानी कौन सी रिसोर्स को कहाँ एलोकेट किया जाए, ये भी टास्क हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का रहता है। अब अगला पॉइंट, एरर डिटेक्शन एंड हैंडलिंग। जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हैं, तो सामान्यतः कई तरह की एरर्स हमारे सामने आ जाती हैं। उन सभी एरर्स को डिटेक्ट करना और उन सभी एरर्स को हैंडल करना भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। अब हम लोग बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ डाटा फाइल्स, यानी डाटा फाइल्स को मैनेज करना। हार्ड डिस्क, टेप या फिर ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में फाइल्स हमारी मेनली सेव होती हैं। जिस लोकेशन पर फाइल स्टोर होती हैं, उस एड्रेस की जानकारी रखना डाटा फाइल मैनेजमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक सेफ है जिसमें हम लोग अपने कपड़े रखते हैं। अब कौन सा कपड़ा किस जगह रखा है, उसको मैनेज करना एक टिपिकल काम है। उसको मैनेज करना बहुत टिपिकल काम इसलिए है क्योंकि सपोज किसी ने कुछ मांगा और हम उसको तुरंत ना दे पाए, तो हमारा मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। इसी तरीके से किचन में एक एग्जाम्पल कि कौन सी चीज कहाँ रखी है, इसको मैनेज करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इसी तरीके से सारी फाइल्स कौन सी लोकेशन पर हैं, ये पूरा मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि सबसे मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का डाटा फाइल्स को मैनेज करना है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है सिक्योरिटी ऑफ डाटा एंड रिसोर्सेस। ऑपरेटिंग सिस्टम ही डाटा और रिसोर्सेस को सेफ और करेक्ट तरीके से यूज करने को सुनिश्चित करता है। किसी भी हार्डवेयर डिवाइस जैसे डिस्क ड्राइव, स्टोरेज डिवाइसेस, इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस आदि को इम्प्रॉपर मैनेज में यूज करना क्या है, एक तरीके से सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, यह किसी भी प्रोग्राम को डाटा को अनऑथोराइज एक्सेस से बचाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा ही हम लोग पासवर्ड या अन्य तकनीकों का इस्तेमाल करके अपने डाटा को सिक्योर और सेफ बना सकते हैं। तो ये अब तक हमने 6 फंक्शंस पढ़े। अब हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंगल यूजर सिंगल टास्क।
जैसा इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में केवल एक ही यूजर ही काम कर सकता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी भी एक समय पर अधिकतम एक ही व्यक्ति या यूजर काम कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3.1, विंडो 95, एमएस डॉस, पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसका अगला टाइप, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर किसी भी एक समय पर एक से अधिक यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में कई सैकड़ों यूजर्स टर्मिनल द्वारा नेटवर्क से जुड़कर अपना अपना या एक ही समय पर अलग अलग यूजर्स अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे नेटवर्क से जुड़कर कई लोग एक ही प्रिंटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मेरे कंप्यूटर लैब में 20 कंप्यूटर सिस्टम हैं। हमने उन 20ों की 20ों कंप्यूटर सिस्टम को आपस में एक नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया है और उसमें एक प्रिंटर को कनेक्ट कर दिया है। अब कहीं से भी प्रिंट की कमांड आएगी तो प्रिंटर उस कमांड को एक्सेप्ट करके प्रिंट करेगा। तो ये क्या है, ये मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको हम लोग शॉर्ट में RTOS भी कहते हैं। RTOS यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मशीनरीज, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स आदि को कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर के लिए डिजाइन किया गया है जिन्हें ठीक से काम करने के लिए दिए गए टाइम पीरियड के अंदर ही रेस्पॉन्स देना बहुत आवश्यक होता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत अच्छा उदाहरण एयरलाइंस कंट्रोल सिस्टम है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से RTOS यानी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का काम बताता हूँ। किसी भी समय हवाई अड्डे पर सैकड़ों की संख्या में हवाई जहाज का आना जाना लगा ही रहता है। कोई भी हवाई जहाज हवाई अड्डे पर बहुत तरीके से उतर सके, इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जहाज चलाने वाले पायलट को ऊंचाई, दूरी जैसे महत्वपूर्ण जानकारियों का सही ज्ञान हो। यह सभी जानकारियां एयरलाइंस कंट्रोल सिस्टम द्वारा प्रदान की जाती हैं। इसलिए एयरलाइन कंट्रोल सिस्टम में रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर स्टेशन, स्पेस सैटेलाइट मॉनिटरिंग जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर भी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है। और आपको एक चीज और मैं बता दूं, रॉकेट को लॉन्च करने में भी RTOS का यूज किया जाता है। ठीक, अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, एक निश्चित टाइम पर एक से ज्यादा टास्कों को करना मल्टीटास्किंग कहलाता है। जैसा आपको पता ही होगा कि मल्टीटास्किंग का मतलब सेम टाइम पे एक ही टाइम पर एक से ज्यादा काम को करना मल्टीटास्किंग है। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर यूजर एक ही समय पर एक से ज्यादा यानी एक साथ अलग-अलग प्रोग्राम्स को रन कर सकता है। अर्थात यूजर चैटिंग करने के साथ साथ वेब सर्फिंग भी कर सकता है, डाउनलोडिंग भी कर सकता है और म्यूजिक को भी प्ले कर सकता है। तो ये जो थे ये आपके मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम था, और इसके एग्जांपल्स जैसे विंडो XP हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। अब अगला ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है दोस्तों, कि मल्टी थ्रेडिंग किसी भी प्रोग्राम या ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस को एक समय पर एक से ज्यादा यूजर्स या किसी एक यूजर द्वारा की गई एक से ज्यादा रिक्वेस्ट को मैनेज करने की एबिलिटी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसके जो एग्जाम्पल हैं जैसे आपका लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडोज 2000 हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीटास्किंग की। तो दोस्त मल्टीटास्किंग क्या है, जैसे इसका नाम है मल्टीटास्किंग यानी
बहुत ज्यादा टास्क को यानी एक से ज्यादा टास्क को सेम टाइम पे कंप्लीट करना, वो हमारा मल्टीटास्किंग है। मल्टी मींस ज्यादा, टास्किंग मतलब टास्क, यानी सेम टाइम पर एक से ज्यादा, यदि कोई भी कंप्यूटर उस टास्क को कंप्लीट कर रहा है यानी ऑपरेटिंग सिस्टम एक से ज्यादा कई टास्क को कंप्लीट करवा रहा है, तो वो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। जैसे आपका हो गया यूनिक्स, विंडोज 2000। अब हम लोग अगला ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए नया भी है। तो एम्बेडेड सिस्टम एक डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम है जिसे सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। एक एम्बेडेड सिस्टम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फायर अलार्म सिस्टम एक एम्बेडेड सिस्टम ही है जो केवल धुएं को ही सेंस कर सकता है। जैसे फायर अलार्म सिस्टम आपने सुना होगा, वो क्या काम करता है, अगर उसको जरा सा भी स्मोक मिला, धुआं मिला, तुरंत वो अलार्म बजाने लगता है। तो ये क्या है, एक एम्बेडेड सिस्टम है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं कि इंटरफेस के कौन कौन से दो मेथड हैं। देखिएगा, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम से इंटरेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास दो तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, और वो दो तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम दो अलग अलग तरीके के इंटरफेस हमें प्रोवाइड करते हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जीयूआई। ये जीयूआई क्या है, जीयूआई की फुल फॉर्म दोस्तों ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। इसमें हम क्या काम करते हैं, ऐसे जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग ग्राफिक्स के द्वारा कंप्यूटर से इंटरेक्ट होते हैं। देखिएगा, आप लोगों ने डेस्कटॉप तो देखा होगा, जैसे ये आपके सामने डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है, तो डेस्कटॉप पे आप लोग देखते हो ये छोटे छोटे जो आइकन्स होते हैं, ये चीज छोटी छोटी जो पिक्चर्स होती हैं, ये क्या है, ये एक तरीके के ग्राफिक्स के ही रूप हैं। और हम क्या काम करते हैं, अगर सपोज हमको कोई चीज प्रोग्राम रन करना है तो उसका जो आइकन होता है उस पर हम क्लिक करते हैं और हमारा प्रोग्राम रन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज आपको पेंट ओपन करना है, तो डेस्कटॉप पे अगर आपने पेंट का शॉर्टकट क्रिएट कर रखा है तो आप तुरंत पेंट आइकन पे क्लिक करते हो और आपका पेंट ओपन हो जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल है जी, ये जीयूआई का ही एग्जाम्पल है, यानी आपने ग्राफिक्स की मदद से आप कंप्यूटर से इंटरेक्ट हुए, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे सपोज अगर आप कैलकुलेटर यूज करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में, आपने कैलकुलेटर खोला और अब आपको 25 लिखना है यानी 25, तो आप क्या काम करते हो, 2 वाला बटन प्रेस करते हो और 5 वाला बटन प्रेस करते हो। तो ये जो 2 और 5 जो है वो जीयूआई का ही एग्जाम्पल है, यानी आपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो कैलकुलेटर आया उस कैलकुलेटर में जो दो बटन थे 2 और 5, आपने उन दोनों बटनों को प्रेस करा, यानी ग्राफिक्स के द्वारा कंप्यूटर ने आपकी भावनाओं को समझा और 2 और 5 एज अ इनपुट ले लिया। तो ये सारा किसका एग्जाम्पल है, जी यू आई का ही एग्जाम्पल है। अब हम लोग इसका दूसरा इंटरफेस पढ़ते हैं, वो है सी यू आई यानी कमांड लाइन इंटरफेस, या फिर करेक्टर यूजर इंटरफेस भी हम उसको कह सकते हैं। दोस्तों सी यू आई में क्या होता है या फिर कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होता है, इसमें अगर हमको कंप्यूटर से इंटरेक्ट होना है तो हमको कुछ लाइंस की कमांड्स देनी होती हैं, यानी हर एक चीज की एक निश्चित कमांड्स होती है, तो हमको उसी उनकी कमांड्स को याद करना है और उन्हीं कमांड के द्वारा हम वहां पे क्या काम करते हैं, अपनी कमांड्स को लिखते हैं और फिर उन्हीं कमांड के अकॉर्डिंग हमारा कंप्यूटर सिस्टम हमको वो काम करके देता है। तो ये जो एग्जाम्पल है एक तरीके का सी यू आई एग्जाम्पल है। ठीक, अब हम लोग कुछ जो पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनको हम लोग मोस्टली अभी यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनिक्स के बारे में बात करते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की ही तरह काम करता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे पहले 1960 में डेनिस रिची द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कंप्यूटर में बूटिंग के लिए, लॉगिंग के लिए, एप्लीकेशन रन के लिए, डाटा को स्टोरेज करने के लिए, डाटा फाइल्स को रिट्रीव करने के लिए ही यूजफुल रहते हैं। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की।
ठीक, लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है? लाइनिक्स एक फ्री यानी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब दोस्तों, बहुत से लोगों को अभी तक ये डाउट क्लियर नहीं है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको हम लोग इजीली इंटरनेट के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो जो लाइनक्स है वो भी क्या है? फ्रीली है, यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसको सबसे पहले लाइनस टोरवाल्ड्स और उनके दोस्तों ने 25 अगस्त 1991 में अनाउंस किया गया था। लाइनक्स यूनिक्स की कॉम्पेबिलिटी को नजर में रखकर डिजाइन किया गया था, इसलिए इसकी फंक्शनैलिटी भी यूनिक्स से मिलती जुलती है। लाइनक्स ओपन सोर्स होने के कारण इसे डेवलपर्स अपनी जरूरत के अनुसार भी कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी सपोज इसका सोर्स कोड हमने आराम से डाउनलोड कर लिया और अगर हम इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो हम वो चेंजेस कर सकते हैं। अब हम लोग अगला एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम लोग सामान्यतः यूज कर रहे हैं वो है सोलरिस। तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलपमेंट 1993 में माइक्रो सिस्टम द्वारा किया गया था, किंतु बाद में यानी 2010 में इस कंपनी को ओरेकल कॉरपोरेशन द्वारा प्राप्त कर लिया गया। यह ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम मैनेजमेंट तथा नेटवर्क के कार्यों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुई है। तो ये तो था सोलरिस के बारे में। अब देखते हैं बॉस। बॉस का जो फुल फॉर्म है वो है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। कई बार ये बॉस की फुल फॉर्म आ जाती है, तो उसकी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिएगा। बॉस की फुल फॉर्म भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन है। तो ये भी एक फ्री है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। देखिएगा, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे मोबाइल के लिए ही बनाए गए होते हैं वो हमारे मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझाते हुए चल रहा हूँ। तो जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें सबसे पहले एंड्रॉयड का नाम आया है। तो ये जो एंड्रॉयड हैं ये सारे इनके नाम है। देखिए, सबसे पहले कपकेक, फिर डोनट, फिर इक्लियर्स, फिर फ्रियो, फिर जिंजर ब्रेड, हनी कोम, आइसक्रीम सैंडविच और जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप और मार्शमेलो। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सारे आपके एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं। तो iOS, विंडोज फोन और सिम्बियंस, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आज ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से वर्क होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से टाइप्स हैं, इनके बारे में पढ़ा। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।